तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इंटीजर ए बी एंड सी सेटिस्फाई दिस सो अपन को पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछे। तो यहाँ पे अपन को जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू वन प्लस सी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू वन प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी। और इस सी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू वन प्लस टू सी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन को दे रखी है -1। तो -1 + 2ab इज इक्वल टू 1 + 2c। 1 को इधर ले आता हूँ तो 2ab इज इक्वल टू 2 × 1 + c हो जाएगा। तो यहाँ से ab इज इक्वल टू 1 + c आ गया। लेकिन यहाँ से 1 + c को मैं a+b लिख सकता हूँ। सो 1 + c को इक्वल टू मैं a+b लिखूंगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ab इज इक्वल टू a+b। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसको इस तरीके से लिखता हूँ ab -a - b +1 = 1। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस चीज को। पहले तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया फिर इन दोनों को इधर ले गया। और अब ये जो ये वाली चीज है इसको मैं a-1 मल्टीप्लाई में b-1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1। और अब ए एंड बी यहाँ पर इंटीजर्स है तो दो केस बन सकते हैं। तो ए की वैल्यू 2 हो जाए या बी की वैल्यू 2 हो जाए तो ये 1 मल्टीप्लाई में 1 बन जाएगा। या फिर ए इक्वल टू 0 हो जाए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस केस में देखेंगे तो यहाँ से सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसमें सी इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पॉसिबल वैल्यूज देखे तो 4 + 4 + 9 17 आ रही है इधर से। तो और इधर से 1 आ जाएगी तो ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो अपन को सम करना आता है यहाँ पर सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। तो 18 अपना आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।